स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आज हम बनाएंगे कॉक। कॉक बनाने के लिए सबसे पहले हम कॉक को ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले ऐसे हम एक कर्व सा बनाएंगे, फिर ऐसे ही नीचे से भी ऐसे कर्व ले लेंगे। इस तरह से शेप ले ले ली। अब ये राउंड करते हुए इसका विंग बनाएंगे। अब इसकी टेल फेदर बना देंगे। इसके लिए ऐसे राउंड किया और इसको ऐसे कर्व करते हुए ये मिला दिया। उसके बाद इसकी बीक बना देंगे, ऊपर कॉम बना देंगे, अब इसके फीट बना देंगे, ऐसे पिलर ड्रॉ करेंगे, सन बना देंगे और स्केच पेन से इसकी आउटलाइन कर देंगे। हमारा स्केच पेन से हमने आउटलाइन कंप्लीट कर ली है, अब हम कलर करेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले हम येलो कलर लेंगे और ये आइसक्रीम स्टिक पे और इसको फिल करना शुरू कर देंगे। जहाँ जहाँ येलो लगाया आप देखते जाना और इसको फिल करते रहना। जगह जगह येलो का इफेक्ट देते रहना। बाद ये रेड कलर लेंगे और थोड़ी थोड़ी दूरी पे हम रेड का इफेक्ट देते रहेंगे। देखिए ऐसे जहां जहां रेड है आप वहां वहां रेड लगा दोगे। ये ऊपर इसमें भी बीक में भी इसके फेदर्स में भी जगह जगह हमने रेड का इफेक्ट दिया। ब्लू कलर उसके बाद ग्रीन कलर लाइट ग्रीन डार्क ग्रीन दोनों कलर हमने यूज करने हैं। उसके बाद ऑरेंज कलर सन में भी करेंगे इसको ऐसे ही। इसके फीट में भी कलर कर देंगे। के लिए येलो से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले येलो कलर फिल करेंगे ऐसे। उसके बाद लाइट ग्रीन आप चाहो तो लंबे स्ट्रोक दे दो, नहीं तो छोटे छोटे स्ट्रोक दे दो, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हो। लाइट ग्रीन के बाद डार्क ग्रीन, ग्रीन कलर हो गया। अब ब्लू कलर से स्काई बनाएंगे, उसमें भी सेम ऐसे ही।
ऐसे ही पूरा फिल करना है। अब लाइट स्काई ब्लू करने के लिए इसमें वाइट मिक्स कर देंगे। या अब ऐसे ही पूरा फिल कर देंगे। ये ऐसे पूरा फिल कर लिया हमने ब्लू कलर से। अब इसकी आउटलाइन कर देंगे ब्लैक कलर और इसको फिनिशिंग टच दे देंगे। तो रेडी है आपकी कॉक। आप भी ऐसी बनाना और मुझे व्हाट्सएप पे शेयर करना।